तो दोस्तों इस कंप्रेसर को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, इसके अंदर जो मोटर लगी है वो 22 केजी तक वेट कैरी कर सकती है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमें 312 PSI तक एनर्जी दे सकता है एयर में, ठीक है। तो ये समझ लो बाइक का जो टायर होता है उसमें 40 PSI एयर होती है और कार का जो होता है उसमें 60 PSI होती है, तो ये उससे कहीं ज्यादा पावर जनरेट करता है। यानी अगर आपको बाइक में या कार के अंदर हवा भरनी है तो ये काम इससे बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसमें बेहिसाब पावर है, इसके सभी पार्ट आसानी से मिल जाएंगे। इसके अंदर जो मोटर तक लगी हुई है गियर मोटर, वो भी मैंने खुद ही बनाई थी और वो बहुत आसानी से आप बना लोगे घर में। तो देखते हैं कि किस तरीके से बना है, किस तरीके से काम करेगा और क्या रिजल्ट इसका निकल के आता है। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज यार, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक MDF का बेस और इसके फाउंडेशन भी हमने MDF के ही बना रखे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने MDF के पीसों को कटवा के इसके कुछ फाउंडेशन बनाए हैं। तो इसके अंदर हमारा पंप लगेगा, ये पंप मिलता है आपको जो गुब्बारे वगैरह में हवा भरते हैं ना वहाँ से मिल जाएगा आपको, दुकान के ऊपर जो गुब्बारे मिलते हैं तो उनके साथ ये पंप भी आता है। तो इसको मैंने यहाँ से चपटा कर लिया है और इसके अंदर एक होल कर लिया है और यहाँ पे हम एक पिन डाल देंगे तो यहाँ से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ये पंप नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह सिरिंज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो 60 ml का सिरिंज मार्केट से मिल जाता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे इसके फाउंडेशन में और यहाँ पे लाके इसको हम चिपका देंगे ताकि मजबूती के साथ टिका रहे, क्योंकि 22 किलो वेट इसके ऊपर चलने वाला है, क्योंकि जो हमारा मोटर है वो 22 किलो लोड इसके ऊपर चलाएगा अगर हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लेते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए इसको मजबूत होना चाहिए, तो हम यहाँ पे सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका रहे हैं और उसके बाद इसको हम एरालाइट से भी मजबूत करेंगे। ये काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ गाइज आप देख सकते हो ये वही मोटर है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस तरीके से बनेगा। ये 22 केजी तक हमें लोड उठाने की क्षमता देता है, तो इसको मैं इसी तरीके के MDF के फाउंडेशन के अंदर अटैच करूंगा, एरालाइट से चिपका देंगे इसको और सामने से स्क्रू भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हमें इसको लगाना है और इसको चिपकाना है हमें इसके बेस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हमें एक छोटा सा फ्लाईव्हील लगाना है, तो MDF का मैंने बना रखा है और इसके अंदर मैंने कनेक्टिंग रॉड को अटैच करने के लिए सिलाई मशीन का एक पार्ट लगा रखा है। पार्ट्स के बारे में मैं आगे चल के आपको डिटेल में बता दूंगा। तो इसको हमें यहाँ अटैच करना है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले बेस को अटैच करेंगे एल्फी से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को लगा के देख लेते हैं ताकि हमारा जो साइज है यानी सिलेंडर से मोटर कितनी दूर होना चाहिए वो चीज़ तय करेगी ये कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि हमने इतनी लंबी बना रखी है। कनेक्टिंग रॉड कहाँ से आई ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ये भी सिलाई मशीन का ही पार्ट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इसको हमने यहाँ पे अटैच कर लिया, बिल्कुल सिलेंडर को आगे कर लिया और फ्लाई व्हील का हिस्सा भी आगे की तरफ है और इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे और उसके बाद हम डिटेल निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कनेक्टिंग रॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने साइज के लिए ही इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हो कनेक्टिंग रॉड सिलाई मशीन की है, सिलाई मशीन वाले को स्क्रीनशॉट दिखा दोगे तो ये सारा सामान आपको दे देगा, ठीक है। अब यहाँ हम सभी पार्ट्स को मजबूती देने के लिए एरालाइट का यूज़ कर रहे हैं, ये हार्डवेयर वाले की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इससे हम अपने पंप वगैरह को मजबूत करेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड चलने वाला है, अगर हम नहीं करेंगे तो ये सब टूट टाट के आगे निकल जाएगा। तो एरालाइट से भी हम पंप को मजबूत कर रहे हैं, आप सुपर ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन एरालाइट ज़्यादा बेटर रहेगी। तो गाइस गियर मोटर से फ्लाईव्हील को हमने अच्छी तरीके से जोड़ दिया है, ये मजबूत रहेगा कभी भी निकलने वाला, ठीक है। उसके बाद हमने गियर मोटर के ऊपर एरालाइट लगानी है और उसको उसके बेस के साथ जोड़ देना है और चाहे तो सामने से स्क्रू भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मजबूत हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड लगा के मैं फिर देख रहा हूँ कि सेटिंग हमारी ओके है या नहीं। मोटर को फिट करने के बाद एक बार आपको उसको चला के देख लेना है कि फ्लाईव्हील बिल्कुल सीधे सीधे घूम रहा है या नहीं, ठीक है। अब इस सिलेंडर के जो आगे का पार्ट था उसके नीचे वाला सुराख को हमने बंद कर दिया और सामने की तरफ हमें इसको अटैच कर लेना है बॉन्ड लगा के। अगर आप सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आप सिरिंज लगा रहे हो उसके अंदर 60 ml का बड़ा वाला जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने नीडल लगा होता है उसके प्लास्टिक वाला, उसी के अंदर आप पाइप लगा सकते हो आगे। तो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रहा हूँ और इसके अंदर हम अपने नॉन रिटर्न वाल्व को लगाएंगे बाद में, तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा सूखने के बाद। सो गाइस मोटर के पिछले साइड को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर भी मैं एक MDF का ब्रैकेट बना के लगाऊंगा इस तरीके का, इसमें मैंने रबड़ लगा रखी है ताकि कोई वाइब्रेशन वगैरह ना हो। और इसको मैं सुपर ग्लू की सहायता से जिस तरह बाकी फाउंडेशन मैंने जोड़ा है उसी तरीके से इसको भी मजबूती से जोड़ दूंगा। उसके बाद पाइप के फ्रंट पे हमें लगानी है एक टी, ये आप पाइप देख रहे हो ये गैस वालों के यहाँ मिल जाएगा जहाँ पे गैस वगैरह रिपेयर होते हैं। इसके अंदर मैंने रबड़ के दो पाइप लगा रखे हैं, ये तीन पाइप होते हैं, ठीक है। तो सामने वाला लग जाएगा
हमारे सिलेंडर के अंदर और दोनों साइड में हमारे नॉन रिटर्न वाल लग जाएंगे। लेकिन इसको लगाएंगे हम एरालाइट, और एरालाइट इसके अंदर अच्छे तरीके से लगा के सामने वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमें इसको अटैच करना है वहाँ पे भी एरालाइट लगा ले और इसको इसके अंदर लगा देना है। ये इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे और ये बिल्कुल सीधा रखना है आपको। एरालाइट इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये मजबूत रहे और सूखने के बाद ये बढ़िया से काम करेगा, बिल्कुल निकलेगा नहीं, ठीक है। अब ये सूख चुका है गाइस, अब हम लगाएंगे इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड। लेकिन कनेक्टिंग रॉड के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं, ये जो पार्ट देख रहे हो जो फ्लाई व्हील में लगा हुआ था ये भी सिलाई मशीन का ही है। स्क्रीनशॉट दिखा देना, सारे पार्ट आपको दे देगा वो, ठीक है। अब कनेक्टिंग रॉड बाहर ना निकल गया है, उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे एक पाइप का टुकड़ा काट के और ऊपर से एक स्क्रू लगाएंगे इसके अंदर। तो स्क्रू भी इसी पार्ट के साथ मिल जाता है, जब आप सिलाई मशीन के पार्ट वाले के पास जाओगे तो आपको सभी पार्ट वो दे देगा, बस आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है। अब आगे कनेक्टिंग रॉड लगा देता हूँ मैं। कनेक्टिंग रॉड के बाद लगाएंगे नॉन रिटर्न वाल्व। ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो आप वहां से मंगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको छोटे छोटे नॉन रिटर्न वाल्व बना के दिखाऊं तो आप कमेंट करें, मैं आपको वो भी बना के दिखा दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाल्व अटैच हो जाएंगे और ये नॉन रिटर्न होते हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं। एक वाल्व से एयर अंदर जाएगी और दूसरे वाल्व से बाहर निकलेगी। अब इसके अंदर लगाएंगे हम एक पाइप जिससे हम एयर को कहीं यूज़ कर सकें, गुब्बारे वुब्बारे में भर सकें या इस प्रेशर को कहीं भी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस पाइप को उसके अंदर अटैच कर देंगे और इसके बाद हम इसको चला के देखते हैं कि सारा मैकेनिज्म हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो तार लगाते हैं, अभी पूरे 12 वोल्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ी कम पावर से चला रहा हूं इसको, और आप देख सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो कि एयर प्रॉपर इससे निकल रही है, ठीक है। सो गाइस, कंप्रेसर का मैकेनिज्म हमारा सही से काम कर रहा है, अभी हम प्रॉपर 12 वोल्ट से इसको चला के देखते हैं। ये भी बढ़िया। सो गाइस, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मैं इस कंप्रेशर को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लस अभी मुझे इससे बाइक में हवा भरनी है, लेकिन इस बार मैं वो क्यों नहीं कर सका, क्योंकि इसके अंदर जो आगे वाल लगता है जो वाल बॉडी के ऊपर अटैच होता है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, मार्केट में मिल जाता ठीक है, वरना मैं उसको ऑनलाइन मंगाता हूँ। और उसके बाद हम बाइक में और कार में हवा भर के देखेंगे इसी पंप से, और साथ ही साथ मैं इसको और भी ज़्यादा स्मार्ट कर दूंगा, इसको डबल साइडेड एयर कंप्रेशर बनाना है मेरे को, मतलब ये दोनों साइड में एयर को कंप्रेस करेगा। तो वो सब कुछ देखने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा चैनल से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।